हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 वर्ग 6 to 8 का पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है, जिसमें हम आपके लिए जनरल स्टडीज से जो आपका 40 मार्क्स का जो आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, उसका दोस्तों हम सटीक आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका जनरल स्टडी के पेपर में 40 मार्क्स से कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो सेट नंबर ए को दोस्तों आंसर की से मैच करेंगे, ठीक है। बुकलेट सीरीज आप देख सकते हैं, ये होगा जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था 150 मार्क्स में, इनके लिए आपको समय मिला था 2 घंटा। इन तमाम क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज। दोस्तों, पहले हम मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसके बाद साइंस, ईवीएस, हर एक क्वेश्चन दोस्तों पे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका दिया गया था कि यदि x बराबर 3/2 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर -4 हो, तो यहाँ पे x पावर -2 का यहाँ पे मान ज्ञात करना था, ठीक है। दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 2/3 के पावर 12। दोस्तों, इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। आप लोग ऐसे मैच करते चले जाएगा और आपका जितना भी स्कोर हुआ आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्वेश्चन में कितना स्कोर सही हुआ। दोस्तों, अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड ही था पिछले भर्ती की अपेक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया था कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने में इसमें कितना बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका अगर हम अब जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही एंड सटीक उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में देखा था कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। दोस्तों, हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला था, यह सिंपल क्वेश्चन था। जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा इसमें मैच नहीं करेगा, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही उत्तर और सटीक उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया था कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप इन्हीं टॉपिक को करते जाइए, मैथ्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, वहीं से क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए। हमने आपको पॉलीगंस बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक बताया था, नंबर सीरीज का भी टॉपिक आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं होंगे। जब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका सटीक उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 इसका दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया गया था एक नियमित बहुभुज जिसे प्रत्येक बाह्य कोण आपका 45 डिग्री का हो, तो इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इनकी भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, आज ही का पेपर है, वर्ग 6 to 8 के लिए सेट दोस्तों ये हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों, कल हम मैथ के फुल एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे, सारे क्वेश्चन को फुल टॉपिक से एनालिसिस करके हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया था कि आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई 3/4 है, तो यदि परिधि 546 सेंटीमीटर है, तो आयत की हमें बीमा यानी सेंटीमीटर में बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 में क्या पूछा गया था, यहाँ पे जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। दोस्तों, वो आपका 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आपका सी यहाँ पे दोस्तों सटीक उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 39 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में कि एक बैग में 187 रुपए, 87, 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, मतलब एक बैग में टोटल जो आपका पैसा रुपया है 187 और 1 रुपए और 50 पैसे और 10 पैसे, उसमें सिक्कों की संख्या है 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें बताना है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहाँ पूछा जाता है, तो सीटेट में पूछा जाता है।
अगर आपने सीटेट कभी दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो इसका दोस्तों हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता, आई इज इक्वल टू सॉरी आई आर स्क्वायर, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 38, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? जब दोस्तों हम वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना बढ़ जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 96%। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पे सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 41, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? दोस्तों साबुन उद्योग का उपजात, इसका सही उत्तर होगा आपका फिर ऑप्शन नंबर ए, गिल्स रॉल। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिल्स रॉल। ठीक है, और सटीक उत्तर भी आपका होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस प्रकार का पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उसमें दोस्तों मरकरी, वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो दोस्तों पाचन के बाद प्रोटीन जो होते हैं आपके एमिनो एसिड में दोस्तों परिवर्तित होते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया प्रश्न है, हमने भी आपको बताया था कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, इसमें देखिए क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जल वातावरण में क्लोरोफिलोकार्बन निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होते हैं? तो दोस्तों उसमें विनष्ट हो जाते हैं आपका ओजोन मॉलिक्यूल्स, आपका विनष्ट हो जाते हैं, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? क्वेश्चन है दोस्तों अगला 43, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो इसमें दोस्तों आपका प्लाज्मा होता है, यानी प्लाविका होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 46, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में दोस्तों क्रियाशील होते हैं? तो दोस्तों इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो होते हैं आपका अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा फिर कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम इतने ही क्वेश्चन को जनरल स्टडीज को रखते हैं, दोस्तों कल हम सारे क्वेश्चन को डिटेल्स सोल्यूशन आपको दे देंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।